हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, एग्जाम के पहले एग्जाम। तो अभी अभी आज के डेट में आप लोगों को एक नोटिस आया जिसमें आप लोगों को ये तो हो गया कि सिक्स सेमेस्टर जो भी फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हों, उन सभी का क्या है तो एग्जाम डेट आ गया है। और आप लोगों को ये भी मालूम हो गया होगा रूटीन से कि आप लोगों का किस डेट में एग्जाम होने वाला है। तो जैसा कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस की ओर से पिछले साल भी और इस साल भी बिहार में कहीं पे भी एग्जाम के पहले एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। ये सबसे पहले हम लोगों के ही क्लास में और द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम की ओर से ये रिजल्ट आया था कि सर हम लोग को एक एग्जाम के पहले एग्जाम कराना चाहिए, जिसका हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पिछले ईयर के स्टूडेंट 2020 में के स्टूडेंट पे इसको हम लोगों ने पहली बार लागू किया था और जिसका बहुत ही अत्यंत रिजल्ट पे प्रभाव पड़ा था। बहुत सारे स्टूडेंट को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ था और जो YouTube पे थे YouTube के माध्यम से भी उनको फायदा हुआ था, एग्जाम के पहले एग्जाम के सेशन से जो जुड़े थे और जो ऑफलाइन क्लासेस में जुड़े थे उनको भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ था। तो इसी सेशन को हम लोग फिर से इस बार कंडक्ट करवाने जा रहे हैं एग्जाम के पहले एग्जाम के तौर पे। लाइक एज एसवीटी बिहार जिस पैटर्न पे एग्जाम लेती है उस पैटर्न पे हम लोग का एक द पॉलिटेक्निक क्लासेस टीम का पूरा का ये सोच है कि सारे इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि जब रिजल्ट आ जाता है, मतलब फाइनल रिजल्ट एसबीटी का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन हमारी क्लासेस में हमारे क्लासेस के ऑल मेंबर्स के ये सोचना है कि हम लोग सर कुछ ऐसा करें ताकि जो स्टूडेंट हैं वो अभी से ही मोटिवेटेड रहें और एग्जाम के पहले एग्जाम का प्रिपरेशन करके वो एक तरह से तलवार तो है म्यान में तलवार बहुत दिनों से रखा हुआ है, लेकिन क्या होता है जब हम जंग पे जाते हैं तो उसको निकाल करके धारदार कर लेते हैं। उसको धारदार करने का प्रयास ही हम लोग कर रहे हैं एग्जाम के पहले एग्जाम सेशन में और इस सेशन में जिनको भी जो कमी होगी उसको पूरा करने का काम करेगी मिल करके द पॉलिटेक्निक क्लासेस के टीम। और उनको इस लायक बना दिया जाएगा कि एग्जाम सेंटर पे जब जाएं एसबीटी के एग्जाम देने तो वो अपने अंदर से पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस हो करके जाएं और सारे मतलब कि क्वेश्चंस वगैरह ये सब उनको एग्जाम के पहले एग्जाम के सेशन में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चंस सेम टू सेम एसबीटी पैटर्न पे होंगे और एसबीटी एग्जाम देने जब जाओगे तो वही क्वेश्चन आपको वहां पे दोबारा मिलेंगे। तो दोस्तों इसीलिए फिर से एक बार द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम आप लोग के लिए एग्जाम के पहले एग्जाम सेशन के साथ जुड़ रही है ताकि आप लोग का जो सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है 21 सितंबर से वो आप लोग के लिए एक लास्ट एग्जाम है इस सेमेस्टर लाइफ वाली दुनिया में, डिप्लोमा वाले दुनिया में। और इस डिप्लोमा वाली दुनिया में जो लास्ट सेमेस्टर है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये मैंने भी पहले भी आप लोग को बता चुका हूं और इसी सब कारण से द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम पूरी की पूरी जोर लगा रही है और लगाते आ रही है और इसी को एक अंतिम मुकाम तक पहुंचाने की काम एग्जाम के पहले एग्जाम सेशन के साथ करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं तो आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताएं कि हां सर हम तैयार हैं, डेट आ गई है, क्या आप लोग तैयार हैं एग्जाम के पहले एग्जाम के लिए। तो चलिए इसके बारे में और ज्यादा डिटेल हम लोग आलोक सर से जानते हैं। सबसे पहले द पॉलिटेक्निक के तरफ से आप सभी को वेलकम। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एग्जाम के पहले एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका एसवीटी का रूटीन आ चुकी है, 21 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रही है। तो पांचों पेपर का रूटीन आ चुका है कि कब कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है, उसी का हम लोग भी वेट कर रहे थे कि कब एग्जाम का डेट रिलीज किया जाए कि हमको भी एग्जाम के पहले एग्जाम कंडक्ट कराने में आसान हो। तो जब स्टार्ट आपका एग्जाम का डेट आ गया तो हम लोग भी एग्जाम के पहले एग्जाम जो आपका ऑफलाइन मोड में होगी, एग्जाम के पहले एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगी और इसका पूरा का पूरा डिटेल देखते हैं, थोड़ा अच्छा से समझिएगा। पूरा का पूरा डिटेल एग्जाम के पहले एग्जाम एज लाइक एसवीटी, जैसा एसवीटी में एग्जाम होता है, दिस ऑब्जेक्टिव
ग्रुप बी ग्रुप सी, लेकिन उससे थोड़ा एडवांस में हम लोग चलेंगे। ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही रहेगा, आपका सब्जेक्टिव भी रहेगा। ग्रुप बी में आपका 5 प्रश्न रहते हैं, 5 प्रश्न में एकक और रहता है, लेकिन हमारे एग्जाम के पहले एग्जाम में दो दो और में रहेंगे। और ग्रुप सी में भी 5 प्रश्न रहते हैं, उसमें भी एक एक और रहता है एसवीटी में, और हमारे एग्जाम के पहले एग्जाम में दो दो और में रहेंगे। तो इससे क्या है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो वीवीआई नंबर ऑफ क्वेश्चन आप मांगते हैं कि सर वीवीआई बताइए, तो वही वीवीआई है जो क्वेश्चन आपका एग्जाम के पहले एग्जाम में दिया जाएगा, वही एज लाइक एग्जाम में पूछा जाएगा। उससे हट के बहुत कम चांसेस है कि आ सकती है, ऐसा हम लोग सेट कर रहे हैं क्वेश्चन और लगभग सेट हो चुकी है। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम के पहले एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग एग्जाम दीजिए और अपने दोस्तों को भी दिवाइए, क्योंकि ये एग्जाम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट जितने भी आपके भाई बहन दोस्त हैं, तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट भी हैं जो 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के लिए सिर्फ 6 सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा, और इलेक्ट्रॉनिक्स 4 एंड 6 सेमेस्टर के लिए। लेकिन फोर्थ वाला सोचेंगे कि हमको तो एग्जाम डेट आया ही नहीं है, तो एग्जाम डेट आया या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ दिन में शायद आ जाए या फिर प्रमोट भी हो जाए तो भी हमको टेंशन नहीं है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए तत्पर हैं, पढ़ते हैं, तो एग्जाम देने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर आप अच्छे से तैयारी किए हैं। तो इस एग्जाम से आपको फिफ्थ सेमेस्टर आने वाले में आपको बहुत बेनिफिट होगा। और इस एग्जाम एक खासियत है कि आपको एसवीटी के एग्जाम में जाने से पहले जो जो कमी है, जो जो त्रुटि है, वो सब निकल के आएगी और उसको संभालने के लिए आपको टाइम बचेगा। देखिए 12 को एग्जाम समाप्त हो गया, 12 को आपको पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या किस विषय में हमको कमी हो रही है। तो आपको 21 सितंबर से आपका एग्जाम हो रहा है, तो उतना दिन में आप कवर कर लीजिएगा कि हमको यहाँ पे थोड़ा सा कमी है। तो एग्जाम के पहले एग्जाम में ये सारा चीज आपको निखर के आएगा अंदर से कि हम कितना कौन विषय में कितने पानी में है, ये सारा चीज आपको आएगी। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स 4 एंड 6 सेमेस्टर दोनों स्टूडेंट के लिए एग्जाम के पहले एग्जाम, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओनली 6 सेमेस्टर। जितने भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं सारे को शेयर कर दीजिए और आग लगा दीजिए एग्जाम के पहले एग्जाम में। और सोचेंगे कि सर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ सिविल ही सब नहीं, तो सिविल वाला स्टूडेंट भी बहुत हमारे चैनल को देखते हैं, मैकेनिकल वाला भी, तो वो सारे लोग के भी एक चांस दिया गया है। मैनेजमेंट जो कि आपका कॉमन पेपर है मैनेजमेंट, वो इस सब्जेक्ट को सिर्फ दे सकते हैं, क्योंकि हमारा टीम थोड़ा सा मेहनत कर रही है और हम लोग पूरा का पूरा सोच रहे हैं कि सारा चीज आपको अवेलेबल करा दें। तो मैनेजमेंट कॉमन पेपर है, तो सिविल मैकेनिकल सीएस और ऑटोमोबाइल और जितने ब्रांच हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल छोड़ के, वो सिर्फ इस पेपर को आप रजिस्टर करें, फॉर्म भरिएगा और इस एग्जाम को सिर्फ दे सकते हैं। तो एग्जाम कौन कौन से डेट में है वो भी हम लोग बताएंगे, कहाँ पे होगी, कैसे होगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म भरना है। इस वीडियो को आप लोग पूरा का पूरा देखिए, वीडियो फिल्म देखने में आप गुजार दीजिएगा समय, लेकिन अब आपको समय आ चुका है कि थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में जान लें। वो इससे बेनिफिट हो रहा है आपको, वीडियो देखने से बेनिफिट नहीं हो रहा गाने वाला, तो इस वीडियो देखने से थोड़ा सा समय दीजिए 10-15 मिनट, सारा का सारा चीज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो मैनेजमेंट जो कॉमन पेपर है और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल छोड़ के इस विषय को सिर्फ दे सकते हैं। ये भी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इसको भी होगा, लेकिन ये मैनेजमेंट जो कॉमन पेपर है, ये सिविल मैकेनिकल सीएस ऑटोमोबाइल, इनका सिर्फ फी 50 रूपए लगेंगे। ये दोनों छोड़ा के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच छोड़ा के, ये सिर्फ जो ब्रांच बच गए हैं उनको फी 50 रूपए लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 4th 6 दोनों स्टूडेंट, इनका फॉर्म शुल्क है जो 200 रूपये लगेंगे। यहाँ पे लिखा गया फॉर्म फी 200 रूपये ऑल पेपर का है, कुछ ज्यादा नहीं है, 5 पेपर होता है दोस्त, तो 5 पेपर डिवाइड कर लीजिएगा तो कितना पड़ेगा 40 रूपया, तो एक एग्जाम में 40 रूपया। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं लाना है, सिर्फ पेन लेके आइए, एडमिट कार्ड लेके आना है और आधार कार्ड लेके आना है, बाकी कॉपी द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से मिलेगा, कॉपी जितना कॉपी आप लिख सकते हैं कॉपी यहाँ से मिलेगा। तो 200 रूपये शुल्क है, 200 में आपको बहुत कुछ दिया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा और रिजल्ट
एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सारा चीज का व्यवस्था है। तो फॉर्म शुल्क 200 रूपया फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के लिए, लेकिन सिविल मैकेनिकल सीएस ऑटोमोबाइल के लिए मैनेजमेंट का पेपर सिर्फ 50 रूपये में। ये फॉर्म एक वीडियो और आपका आएगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है और कहाँ पे जमा करना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगी, तो उसका पे आप लोग वेट कीजिए। चलिए आगे और कुछ हम लोग देखते हैं। एग्जाम के पहले एग्जाम आप लोग के माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए। एग्जाम के पहले एग्जाम मतलब द पॉलिटेक्निक क्लासेस, ये सिर्फ द पॉलिटेक्निक क्लासेस कराते हैं एग्जाम के पहले एग्जाम। तो ये एग्जाम के पहले एग्जाम मतलब द पॉलिटेक्निक क्लासेस। चलिए अब एग्जाम के पहले एग्जाम डेट, रजिस्ट्रेशन डेट आपका फ्री है, रजिस्ट्रेशन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया जाएगा, वहां से रजिस्ट्रेशन करना है, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा, रजिस्ट्रेशन चार्ज फ्री है। सिर्फ फॉर्म शुल्क रहेगा जो 200 रूपये है। तो ऑफलाइन में जितने स्टूडेंट द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऑफिस में आ सकते हैं, वहां से आप फॉर्म शुल्क भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, वहां पे ऑफलाइन में ही पैसा लिया जाएगा। और जो स्टूडेंट दूर में हैं, आ नहीं सकते हैं, वो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, ये दोनों नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, वहां पे आपका पूरा डिटेल भेजिए और एक फोटो भेजिए, ये सारा चीज भेजिएगा, आपको फॉर्म भर दिया जाएगा। और उस फॉर्म को कैसे पूरा करना है, वो क्या करना है, सारा का सारा वीडियो अगले वीडियो में बताया जाएगा। अब चलिए डेट देख लेते हैं कि कब से एग्जाम होगा। बहुत आप लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम के पहले एग्जाम होगा, तो कब से एग्जाम होगा आप लोग सोच रहे होंगे, और कितने बजे होगा, कैसे होगा, तो चलिए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर अभिषेक सर के में चलेंगे। चलिए एग्जाम के पहले एग्जाम मैनेजमेंट जो आपको एसबीटी पहले 21 तारीख को ले रही है, लेकिन हमारे यहाँ मैनेजमेंट कॉमन पेपर 8 सितम्बर को हो रहा। कब हो रहा? 8 सितम्बर को आपको हो रहा मैनेजमेंट पेपर। तो मैनेजमेंट के जितने भी स्टूडेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल छोड़ के मैनेजमेंट पेपर 8 सितंबर को सिर्फ आके दे सकते हैं। आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हो या ऑफलाइन के हो, या आप पटना से हो या गया से हो, कहीं से भी हो, आके आप एक दिन दे सकते हैं। चलिए और जो दूर के स्टूडेंट हैं, तो ऑफलाइन में आके आप लोग दीजिए। अगर आपके दोस्त हैं तो रस के आप 5 दिन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी तरह की दिक्कत है तो आप संपर्क कीजिए, उसका भी व्यवस्था किया जाएगा, उपाय किया जाएगा। रूम में दिक्कत है तो रूम भी व्यवस्था किया जाएगा, यहाँ पे सारा चीज व्यवस्था कराया जाएगा। चलिए मैनेजमेंट 8 तारीख के, एडवांस कम्युनिकेशन 9 सितंबर के, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 10 सितंबर, सिग्नल सिस्टम 11 और माइक्रोवेव 12। तो ये 5 पेपर लगातार होगी, 8, 9, 10, 11, 12। मैनेजमेंट सबसे पहले है, मैनेजमेंट आपका एसबीटी सबसे पहले कनेक्ट करा रही है। उसी तरह से हम लोग का भी पैटर्न तैयार किया गया, ये सिर्फ 6 सेमेस्टर का है, इसी तरह से 4 सेमेस्टर के लिए और इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर के। जैसे आपका एसबीटी का सब्जेक्ट कोड है उसी के अनुसार आपका होगी, 8 तारीख से होगी, 8, 9, 10, 11, 12 पांचों पेपर। जिस तरह से आपका एसवीटी का सबसे पहले पेपर है तो सबसे पहले पेपर यहाँ भी होगा, सेकंड में कौन सा पेपर है एसवीटी में वो यहाँ पे भी होगा सेकंड में, उसी अनुसार आपको यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो जैसे कि 6 सेमेस्टर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ दिया गया है, आप लोग 4 और इलेक्ट्रिकल 6 वाला सोच रहे होंगे कि ये तो 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है। लेकिन आपको जैसे एसवीटी के द्वारा आपको सब्जेक्ट वाइज डेट दिया गया है, तो सब्जेक्ट आप लोग सिर्फ देख लीजिए और ये डेट याद रखिए, 8 को होगी, 9 को होगी, 10 को होगी, 11 को होगी, 12 को होगी। एडवांस कम्युनिकेशन 9 को, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 10 को, सिग्नल सिस्टम 11 और माइक्रोवेव 12। इसी तरह से जिस सब्जेक्ट का आपको 21 का है, कौन सा सब्जेक्ट, 8 को होगी, ये 23 वाला 9 के होगी, फिर 25 के शायद है, उसके बाद 27 है और 30 का है। तो ये जिस तरह से आपको एसवीटी का सब्जेक्ट वाइज लिया जा रहा है, उसी तरह से सब्जेक्ट वाइज यहाँ लिया जा रहा है, लेकिन आपका डेट है 8, 9, 10, 11, 12। ये 5 डेट है, 5 दिन, और टाइमिंग आपका है 9 बजे, सुबह 9 से 12। तो आराम से नाश्ता करके आइए और 9 से 12 आपका एग्जाम दीजिए। 9 बजे से पहले आना है, क्योंकि आपको फॉर्म भी यहाँ पे अगर नहीं भरे हैं तो यहाँ पे भरा जाएगा और कुछ इंस्ट्रक्शन भी बताया जाएगा। तो फर्स्ट डे आप लोग उम्मीद कीजिए कि 8:30 बजे सारे लोग पहुंच जाए। और कहाँ पहुंचना है इसका लिंक गूगल मैप का भी और पता का भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और कुछ बात हम लोग अभिषेक सर से जानते हैं, आपको और कुछ बताएंगे इस एग्जाम के पहले एग्जाम के रिगार्डिंग। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ये पता चल गया कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है और कैसे होने वाला है, ये सारी चीजें आप लोगों को बता दिया गया।
तो चलिए ये इसमें मैं एक और चीज आप लोग को बताता हूँ कि सबसे पहले ये देखिए कंफ्यूजन ये था कि सर रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका लिंक आपको कहाँ पे दिया हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो एक रजिस्ट्रेशन का लिंक है, वो ऑनलाइन आप लोग को करना है, उसके लिए कोई भी आप लोग को फी नहीं देना है। तो उस लिंक पे आप क्लिक करना है और उस लिंक के अनुसार आपको उसको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। और ये फिलअप करने का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये डेट स्टार्ट हो रहा है 7 सितंबर से, ठीक है, ये 7 सितंबर में बोल रहा हूँ, ये लास्ट डेट है 7 सितंबर। क्या है तो रजिस्ट्रेशन क्या है, तो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 7 सितंबर। आप सोच रहे होंगे कि सर ये स्टार्ट कब से है, तो आप ही स्टार्ट है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए उस लिंक पे क्लिक कीजिए और लिंक पे क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन कौन करेंगे, तो जैसा कि आप लोगों को सर ने बताया कि रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 4th और 6th दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ओनली 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट कर सकते हैं, और उसके बाद मैनेजमेंट। अभी ये सोच रहे थे कि सर सिविल मैकेनिकल ये कहा गया, तो CS ब्रांच हो, मैकेनिकल हो या सिविल हो या ऑटोमोबाइल हो, इनके लिए एक स्पेशल पेपर है 6th सेमेस्टर के ओनली 6th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, जो कॉमन पेपर है मैनेजमेंट, ये आप इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी फी नहीं लगेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम देने आओगे तो वहां पे आपको एक फॉर्म ऑफलाइन भराया जाएगा जिसमें आपको एडमिट कार्ड वगैरह ये सब प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो उसमें आपको ओनली 50 रुपीज लगेंगे ओनली मैनेजमेंट के लिए, कॉमन पेपर के लिए। और बाकी आप लोगों को बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑल पेपर के एग्जाम देने के लिए आप लोग के लिए फी 200 है, कोई बड़ा फी नहीं है, कोई अमाउंट बड़ा नहीं है। ये फी इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप लोग का एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आप लोग को क्या होगा, तो रिजल्ट होगा, सबको इंतजार सभी को रहता है, तो रिजल्ट के साथ साथ आप लोग को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया जाएगा। और ये डेट है ये कब होगा, तो 15 सितंबर को होगा। 15 सितंबर आप लोग को पता होगा कि कौन सा डे है, तो आप लोगों को पता होगा कि 15 सितंबर को क्या है, इंजीनियर्स डे है, तो इसी डे के दिन आप लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आप लोग को एक और बात बता देता हूं कि हो सकता है, मे भी हो सकता है, मैं लामा गौरव लामा सर भी आप लोग को उस दिन आ सकते हैं आप लोग को चीफ गेस्ट के में, तो गौरव लामा सर आ भी सकते हैं और उनको मैं चाहूंगा कि वो जरूर आए क्योंकि आप लोग को उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, मोटिवेट करेंगे वो आप लोग को। और ये टाइमिंग रिजल्ट टाइम कितना बजे है, तो 9:00 है AM में, मतलब सुबह 9 बजे से आप लोग का है। और इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किनके किनके लिए है, तो 1st 2nd 3rd जो आएंगे, जैसे SBT का ऑल पेपर का एग्जाम होगा, इसमें आप लोग को क्या होगा कि जो भी सारे सब्जेक्ट में जितना नंबर लाएंगे उसके अकॉर्डिंग उनका ओवरऑल जो मार्क्स आएगा, तो उसमें जो भी 1st 2nd 3rd 3 रैंक पे आएंगे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो और भी स्टूडेंट होंगे उनको जो भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे और उनको क्या है, तो 57 पुरस्कार भी दिया जाएगा। और साथ साथ उस दिन ये सारे टिप्स भी बताए जाएंगे कि आप एग्जाम में जाओगे तो किस तरह से लिखोगे, किस तरह से कॉपी लिखते हैं, किस तरह से आप एग्जाम के समय के प्रेशर को हैंडल करोगे, एग्जाम क्लासरूम में किस तरह की आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, ये सारी बातों पे आपका डिस्कशन किया जाएगा। तो उसमें जो एग्जाम देने के इच्छुक हैं वो भी आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर का स्टूडेंट हो या फिर कोई और भी ब्रांच का स्टूडेंट है, वो भी आ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम के समय में क्या है नहीं है, जैसे ये पेपर मैनेजमेंट का कॉमन पेपर आप लोग दोगे तो अब आप लोग सोचोगे कि सर हमें क्यों आएंगे इस रिजल्ट वाले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन, तो आप लोग भी उसमें आ सकते हैं। आप लोग को ये अब लग रहा होगा कि सर इलेक्ट्रिकल को तो प्राइज दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को तो प्राइज दे रहे हैं, लेकिन CS को, मैकेनिकल को और ये जो ऑटोमोबाइल जो मैनेजमेंट पेपर ओनली दे रहे हैं उनको प्राइज क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि आप लोग को प्राइज नहीं दिया जा सके। क्या सर ऐसा कभी हो सकता है कि आप लोग आए हमारे यहाँ और पार्टिसिपेट करे इतने अच्छे प्रोग्राम में, एग्जाम के पहले एग्जाम जो कि पहली बार बिहार में द पॉलिटेक्निक क्लासेस करवा रही है, पिछले साल भी करवाई थी जिसका रिजल्ट पे बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ा था, जिसके स्टूडेंट का जो रिव्यू आया था वो वीडियो भी आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा और अभी भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग के लिए एक और क्या सेक्रेट का जो पेपर होगी हर
ब्रांच से फर्स्ट जो विनर होंगे, जो सबसे मैक्सिमम लाएंगे, जैसे 70 नंबर का एग्जाम होगी, वो 70 नंबर में जो मैक्सिमम लाएंगे हर ब्रांच से उनको प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि आलोक सर ने कहा कि चाहे वो सिविल के हों, मैकेनिकल को हों, सीएस को हों, ऑटोमोबाइल के हों, उन सभी ब्रांच के स्टूडेंट को जो उसमें, जैसे सिविल के स्टूडेंट मान लिया जाए एक एग्जाम्पल के तौर पे 5 स्टूडेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन 5 में से जो स्टूडेंट मैक्सिमम नंबर लाएंगे, जो 70 नंबर का एग्जाम होगा उसमें जो मैक्सिमम नंबर लाएंगे पर्टिकुलर हर एक ब्रांच के लिए, जो मैक्सिमम नंबर लाएंगे उनको प्राइज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया रिजल्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इधर एग्जाम डेट के बारे में आप लोगों ने देख लिया। आप एक कंफ्यूजन है कि सर कहां पे होगा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, उसमें आपको लोकेशन का, गूगल मैप लोकेशन का लिंक दिया हुआ है, उससे आप आसानी से आ सकते हैं। अगर किसी तरह की और प्रॉब्लम होती है तो 9204047883 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग ऐसे तो जान ही रहे हैं कि बोध गया रोड बाईपास गया बुद्धा अपार्टमेंट के सामने द पॉलिटेक्निक क्लासेस, जो आपका क्लासेस है द पॉलिटेक्निक क्लासेस, उसी में आप लोग का होने वाला है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा एग्जाम के पहले एग्जाम सेशन में रजिस्ट्रेशन फॉरम और ये सारे एग्जाम का कंडक्ट कराया जाएगा, और ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होगी कि ये कितना जरूरी है आप लोगों के लिए, ये कितना जरूरी है आप लोग के लिए। कहते हैं कि जब रामायण में हम लोगों ने देखा था कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो उनके लिए संजीवनी बूटी कितनी जरूरी थी, ये सेम टू सेम उसी तरह से आप लोग का एग्जाम डेट आ गया है। अभी एग्जाम डेट से आप लोग मूर्छित हो गए हैं, अब बका गए एग्जाम डेट से, और उसी एग्जाम डेट के जो आप लोग मूर्छित हो गए हैं, जो हड़बड़ा गए हैं, गड़बड़ा गए हैं कि हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा सर, अभी तो हम यही इंतजार में थे कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो इसी सारे दर्द का, ये जो आप लोग के समय में ये कंफ्यूजन चल रहा है उसी का ये इलाज है। और ये इलाज आप लोग को कहां मिलेगा, तो ओनली द पॉलिटेक्निक क्लासेस में मिलेगा। और ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारा कुछ आप लोगों ने जान लिया है। तो इस सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक के ब्रांच के स्टूडेंट, जो भी 6th सेमेस्टर के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनको पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ऑनलाइन करवाइए, तो ऑनलाइन में बाबू बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप लोग को ऑनलाइन नहीं कराया जा सकता। पर मैं ये आप लोग को एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पे हो, आप लोग अगर ऑफलाइन आकर के एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑफलाइन क्लासेस में, और वहां पे आप आकर के एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, 5 दिनों की बात है और एक दिन रिजल्ट के दिन, 6 दिन, 6 दिन में तो पूरा कहानी समाप्त हो जाएगा। और बाकी सारा अपडेट आपको एग्जाम से एग्जाम के पहले वाले क्वेश्चंस का अपडेट वगैरह ये सब चाहूंगा कि आप लोग को यूट्यूब पे भी मिल जाए, उसके प्रति कुछ भी आप लोग को जो हेल्प हो सकेगा वो हेल्प द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम से, की ओर से आप लोग को जरूर की जाएगी। तो चलिए इसी के साथ अब आलोक सर से कि सर अभी ये सेशन को समाप्त किया जाए क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन इन लोगों को दे दिया गया है। चलिए, तो आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है और फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा 1 सितंबर से, 1 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग मिल सकते हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऑफिस में, और इसके बाद एक वीडियो और का और आएगा, उसके बारे में फॉर्म इस सब के बारे में पूरा का पूरा बताया जाएगा। तो इस वीडियो का आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हर ब्रांच के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम के पहले एग्जाम में आप लोग भाग लीजिए, बहुत कुछ इसमें आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा एग्जाम के पहले एग्जाम में कैसे आपको, जैसे ही आपको कॉपी दिया जाएगा आप लिखिएगा, कॉपी जांच होगा, कॉपी जांच करते समय कहाँ पे क्या क्या त्रुटि है सारा चीज आपको लिखा जाएगा, और रिजल्ट के दिन आपको कॉपी दे दिया जाएगा। आप कॉपी में देख सकते हैं कि कहाँ पे मेरा क्या छूटा हुआ है, और उसके अनुसार आप अगले एग्जाम जो SVT का एग्जाम है उसमें एक अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर है जो हाई लेवल तक आपका नंबर जाए। और हम लोग यही चाहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लाइए, अच्छे से अच्छे पढ़िए, तो यही सब के कारण से आपका एग्जाम के पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।